आज हम थाल पोस बनाने जा रहे हैं, जिसमें ये दो कलर का ऊन है, टू प्लाई का, और ये 6 नंबर की क्रोसिया, और ये है फार्मा। ये फार्मा हम केबल वाला तार से मोड़ करके बनाए हैं। इसे आप चाहें तो साइकिल के कमानी से भी बना सकती हैं ऐसे, और नहीं तो ये स्वेटर बुनने वाला सलाई से, सलाई पुराना होगा तो उसको आप मोड़ करके ऐसे बना सकती हैं, और इसी पर हमारा डिजाइन तैयार होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले वाइट कलर से हम शुरू करेंगे। ये हम पहले इसमें ऐसे ऐसे इसमें हम ये फंसा लेंगे, और फिर इसे हम ऐसे करके ऐसे राउंड में ऐसे घुमाएंगे, और अब हम ये शुरू करेंगे। ऐसे टाइट कर लिए, अब इसमें हमने धागा ऐसे लपेटा, और हम ऐसे इस धागे को ऐसे पकड़े हुए हैं, और इसमें हमने ये डबल धागा है यहाँ, इसको ऐसे खींच करके ऐसे फंसा करके निकालेंगे हम, और फिर इसको ऐसे बुन लेंगे, और फिर इसे हम ऐसे धागे को पलट के और इधर इसको ऐसे घुमा लेंगे, और फिर हम ये क्रोसिया को ऐसे इसमें ये धागा है इसमें है ऐसे घुमा लिए, पलट लिए, और फिर इसको ऐसे हम फिर दूसरे वाले में ऐसे हम टाइट किए रहेंगे, इसको धागे को ऐसे खींचे रहना है उंगली के, और फिर ऐसे फंसा करके इसे हमें ऐसे बनाना है। अब ऐसे ही हमें फिर ऐसे घुमाते हुए, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे हमने इस क्रोसिए को नहीं छोड़ा है, क्रोसिए को ऐसे ही, और इसे हमें दोहरी ऐसे करके बनाते हुए चले जाना है। देखिए देखिए ऐसे हमने पलट लिया, और यहाँ पर हम यहाँ ये ऐसे दो धागे को ऐसे हमें पकड़ना है, ऐसे बनाना है। देखिए इसे ऐसे ही हमें ये 50 ठे शुरुआत में हमें 50 बनाना है। हम गिन करके बताएंगे आपको कि कैसे ये 50 ठे गिना जाएगा। ये और इसे ऊपर से ही ऐसे ऐसे इस फार्मे को पलटते रहना है, हर क्रोसिए में इसे हम पलटेंगे, और ऐसे करके इसमें इसे बनाते जाएंगे ऐसे। ये ऐसे ही बनते जाएगा। चलिए एक दो बार और हम बताते हैं आपको बना करके। ये बहुत ही आसान है, एक बार हाथ बैठ गया तो फिर बनाते चले जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी बनेगा ये, और बहुत जल्दी ही थालपुस बन करके तैयार हो जाएगा आपका। हमें ये ऐसे ही घुमाते रहना है। और इसे टाइट रखना है, इस हाथ को टाइट रखेंगे तो ये डिजाइन भी बीच में सीधा बनेगा,
दिखा रहे हैं आपको। ऐसे ही हमारा ये ऐसे ही तैयार होगा और गिनेंगे हम इसको ऐसे, ये 1 2 3 ऐसे ही इसमें हमें गिनना है। ऐसे ही हम शुरू में 50 ठे बनाएंगे, ऐसे गिन करके धागे को 1 2 3 4 5 ऐसे ही हम पूरा राउंड 50 ठे तैयार कर लेते हैं। उसके बाद इससे कैसे बिनना है हम बताएंगे आपको। ऐसे ही बिनाएगा, देखिए हमने ये पूरा तैयार कर लिया है और इसको हम एक तरफ का पूरा हम ये धागे में ऐसे उतार ले रहे हैं। उतार करके इसको हम ऐसे करके राउंड में ऐसे गोले में बांध देंगे। ऐसे देखिए ऐसे हमने बांध लिया, ये इसे कस के बांध देना है। बांधने के बाद इसको कट कर देना है ऐसे। हम देखिए ऐसे बांध दिए हैं, अब इसको हम ऐसे कट कर देते हैं। हमने ऐसे कट कर दिया और ये देखिए ऐसे गोला राउंड तैयार हो गया ये हमारा। तो हम इस धागे को जो ये है और इसमें ऐसे फंसा करके यहाँ बांध देंगे। ऐसे हम इसी में फंसा के हमें ऐसे जॉइंट कर देना है कि राउंड बन जाए अच्छा से। मजबूती से इसे बांध दीजिए। हमने इसे बांध दिया, अब इसको हम धागे को काट देंगे। पूरा राउंड तैयार हो गया हमारा। देखिए अब इसमें हम यहाँ 3-3 चैन ले करके बिनना शुरू करते हैं। ये हम नीला धागा लगा रहे हैं। इसे हम यहाँ से ऐसे कहीं से भी शुरू करेंगे और हर फंदे में हर ये जो धागा है ऐसे करके हम ग्राइंड कर लेंगे। ऐसे जोड़ लेंगे, उसके बाद से बहुत ध्यान से हर फंदे को हमें ऐसे पकड़ना है। तीन चैन लेकर मैं हर फंदे को ऐसे 1 2 3 फिर देखिए ये ऐसे ही हमें पूरा राउंड बनाना है। देखिए ये हमने पूरा राउंड तैयार कर लिया। इसमें हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे।
इसे हम जॉइंट कर देंगे और फिर दो चैन लेकर ऐसे हर इसके बीच में तीन तीन क्रोशिया हमें बिनना है हर चैन के बीच में। ये तीन क्रोशिया के बाद फिर दो चैन लेना है, एक दो और फिर तीन क्रोशिया फंदा लेकर के एक दो ऐसे ही हम एक दो फिर दो चैन एक दो देखिए ये ऐसे गोला राउंड तैयार होगा, ये ऐसे देखने में अभी लगेगा। ये देखिए हमने पूरा राउंड तैयार कर लिया। हमें ऐसे ही ये चार लाइन ये तीन तीन करके तीन तीन क्रोशिया बिनना है, उसके बाद फिर हमें ऐसे ही बनाना है। इसमें हम तीन चैन लेंगे और तीन क्रोशिया ऐसे। अब दूसरा राउंड हम शुरू कर रहे हैं, हमें ऐसे ही चार लाइन बिनना है, उसके बाद फिर ये डिजाइन हमें बनाना रहेगा। देखिए हमने ये पूरा राउंड चार लाइन तैयार कर दिया। यहाँ से गिनेंगे हम एक दो तीन चार, चार लाइन तैयार हो गया ऐसे, ये बन गया। अब इसके बाद हम फिर ये वाला डिजाइन हम यहाँ बुन करके रखे हैं, इसे अब हम लगाना बताते हैं कि इसे कैसे हम इसमें जोड़ेंगे। शुरू करते हैं। आप यहाँ हम पहले दो चैन लेंगे, यहाँ दो चैन लेने के बाद से फिर इसमें ऐसे हम ये दो फंदा लेकर के इसमें ऐसे फिर दो चैन लेंगे, दूसरे वाले में हम ऐसे बिना फंदे का ही इसमें ज्वाइंट करेंगे ऐसे। फिर दो चैन लेंगे एक दो और फिर ये जो है हमारा दो है, ये दो हम ले लिए और इसमें हम ऐसे खींच करके हमें दो दो ये धागे को पकड़ करके इसमें ज्वाइंट करना है ऐसे। दो चेन लेना है और फिर दो, पहले हमने इसमें ये 50 थे ये डिजाइन में ये बनाया था, ये धागा ऐसे गिनेंगे तो 50 थे हैं। दूसरे राउंड में हमने 100 बनाया है, ये 100 बनाना है और हमें ऐसे ही दो दो करके ज्वाइन करना है। हम इसमें जितना ऊपर चाहें जा सकते हैं और दो दो पकड़ करके इसे ज्वाइन करते हुए बड़ा करेंगे हम। देखिए ऐसे ही ज्वाइंट होगा,
कंप्लीट होगा। देखिए ये हमने पूरा राउंड ऐसे जॉइंट किया है। अब इसमें थोड़ा बहुत घट रहा है, अगर हमारा घट रहा है ये, तो हम फिर से इसमें यहाँ से, यहाँ हम धागे छोड़े हुए हैं, यहाँ भी जॉइंट नहीं किया है यहाँ राउंड में, तो यहाँ पर हम फिर से जोड़ करके इसे और बड़ा कर सकते हैं ऐसे। ये धागे को ऐसे जोड़ लेंगे और फिर इसमें शुरू कर देंगे। इसको जितना चाहिए उतना इसमें अब हम बड़ा करेंगे। देखिए ये ऐसे ऐसा धागा लगे, ऐसे लिए हैं हमने और फिर इसे ऐसे फंसाया, ऐसे पलटेंगे पलटते हुए ऐसे। ऐसे हम इसको बड़ा कर लेंगे, बुन लेंगे और बना करके दिखाते हैं। देखिए ये हमने इतना बड़ा कर लिया है, यहाँ थोड़ा सा घट रहा था, तो अब इसको हम जॉइंट कर देंगे ऐसे, दोनों को पकड़ के ऐसे हम मजबूती से हमें दोनों को जोड़ लेना है और जोड़ करके हमें कट कर देना है। हमने जोड़ लिया, कट कर दिया, अब यहाँ ये जुड़ गया। अब उसके बाद इसे हम जोड़ लेंगे, देखिए हम यहाँ लास्ट तक जोड़ते जोड़ते आ गए हैं। अब इसे हम ऐसे जोड़ करके इसमें बांध के कट कर देंगे, इसे ऐसे जोड़ लिया और इसमें ऐसे बांध करके कट कर देंगे। ये हमने कट कर लिया, ये देखिए। अब इसे हम दिखा रहे हैं, ये जैसे हमने नीचे में ये तीन तीन चैन लेकर के इसको हमने जोड़ा था, वैसे ही अब फिर इसके ऊपर हमें ऐसे ही तीन तीन चैन लेकर के जोड़ना है। जोड़ कर दिखा रहे हैं, हमने ये राउंड पूरा तैयार कर लिया। देखिए अब यहाँ पर से फिर हमें ये तीन तीन क्रोशिया बुनना है, ये हमें चार लाइन फिर बुनेंगे। हम इसको जितना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं, ऐसे ही हमें ये फार्मा से ऐसे फार्मा बना करके, और हम इसको जितना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। हम बना करके आपको दिखाते हैं पूरा। और इसका थालपोश तो हम बना रहे हैं, इसका मेजपोश भी बन जाएगा और तोरण डोर भी बन जाएगा। आप भी बनाइए और हम आगे बताएंगे तोरण डोर कैसे बनेगा और इसका मेजपोश कैसे बनेगा। देखिए हमने ये दूसरा राउंड भी ये बनाया है, फिर इसमें चार लाइन और बिनाएगा, ये दो लाइन बिने हैं, दो लाइन और बिनाएगा इसमें, और इसके ऊपर एक और हम लगाएंगे। और ये बीच में हमने 50 डाला है, ऊपर 100 डाला है,
लेकिन अगर कम पड़ता है तो हम फिर आपको बताए ही हैं कि कैसे उसमें फिर लगा करके हम उसको बड़ा कर सकते हैं। वैसे ही इसके ऊपर 200 होगा, आप चाहे तो जितना भी बड़ा इसको बना सकती हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक कीजिए। मैं ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू।